ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज बलिया के हैदराबाद दवाखाना देगलूनाकर रोड नांदेड़ में आंखों की जांच और मोतियाबंद ऑपरेशन का मुफ्त तिब्बी कैंप का कामयाब इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह साबिक वजीर डीपी सावंत के हाथों अमल में आया। तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से नांदेड़ जुनूब असम्बली हल्के के रुकन असम्बली मोहन राव अन्ना हमरडे, जिला परिषद सदर मंगा रानी अम्बोलगेकर, मेयर बल्दिया मोहिनी येवनकर, साबिक एमएलए वसंत चौहान, कांग्रेस जिला सदर गोविंद दलागेलीकर, डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, चेयरमैन वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले, साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, अखलाती शोबे के जिला सदर शमीम अब्दुल्ला, चेयरमैन संगीता पाटिल, वाइस चेयरमैन गीतांजलि हटकर ने शिरकत की। कैंप के दौरान आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों की जांच की गई और जरूरतमंद अफराद में मुफ्त चश्मे तकसीम किए गए। इसी तरह जांच के दौरान जिन अफराद की आंखों में मोतियाबंद की शिकायत पाई गई, इनकी भी जांच की गई और इन्हें मोतियाबंद के ऑपरेशन के लिए लायंस क्लब के जंगमवाड़ी में चल रहे आंखों के दवाखाने में ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। इस कैंप में सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक हुए और उन्होंने अपने अमराज का मुफ्त इलाज करवाया। कोरोना के सबब पिछले एक साल से मोतियाबंद के ऑपरेशन की कार्रवाई ठप पड़ चुकी थी। आंखों के अमराज में मुब्तला अफराद को मुश्किलात पेश आ रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नांदेड़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की जानिब से ज़ईफ अफराद और ख़वातीन के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप रखा गया था। कैंप के इनेकाद पर मुकामी लोगों ने शहर ब्लॉक का कांग्रेस कमेटी का शुक्रिया अदा किया। कैंप को कामयाब बनाने में नांदेड़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर किशोर स्वामी, कारगुजार सदर रहीम अहमद खान कल्याणकर, सुरेश हटकर के अलावा इलाके के कारपोरेटर सैयद शेर अली, रजिया बेगम, बाबू खान, आसिया बेगम, हबीब बागमान, अब्दुल रशीद, डॉक्टर अर्शिया कौसर, शमीम बेगम, शेख जावेद, अब्दुल गफ्फार, रेहाना बेगम, चांद पाशा कुरैशी, साबिक कारपोरेटर नांदेड़ शहर कांग्रेस की तरफ से लोगों के लिए आई कैंप का आयोजन किया गया है। हमारी कोशिश यह है कि शहर में हर प्रभाग के लोगों के लिए लगभग 5 कैंप शहर में आयोजित करना है आने वाले 15-20 दिनों में। आपको पता है कि गए 1.5 साल से कोरोना के वजह से सभी आई सर्जरीज जो है और कोई भी सर्जरी ये नहीं हो रही थी और इसलिए कई बुज़ुर्गों के कैटरैक्ट के मोतीबिंदु के ऑपरेशन जो थे वो नहीं हो रहे थे और इसलिए हमने आज कांग्रेस पक्ष की तरफ से ये पहल की है कि गरीब के लिए, सब गरीब लोगों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए आज ये आई कैम की तरफ से जानिब से मोतीबिंदु का ऑपरेशन होगा, फ्री आई चेकअप होगा और उनको चश्मे भी दिए जाएंगे फ्री। और ये 1.5 साल में कोरोना के बाद जो थोड़ी राहत हमको मिली है, इस राहत का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इस कारण हो और लोगों को ये सुविधा मिले। मैं इस काम में लायंस क्लब नेत्र रुग्णालय का हमें जो सहकार्य मिला उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा और मेरी लोगों से अपील यही है कि अभी तक कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, तीसरी वेव आ सकती है और इसलिए लोगों ने खबरदारी लेना बहुत ज़रूरी है। खास करके वैक्सीनेशन लस जो है सब लोगों ने लेनी चाहिए। अगर तीसरी वेव आती भी है तो जो जो लोग लस लेते हैं उनको कम तकलीफ होगी और इसलिए अगर किसी के गलतफहमी किसी के दिल में हो निकाल देनी चाहिए और हमने अच्छी तरह से मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। 2021 एंड तक ये धोखा हमेशा रहेगा और इसलिए इस साल में भी लोगों ने एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है और यही गुजारिश मैं लोगों से आवाम से करूँगा। नांदेड़ शहर ब्लॉक कमेटी तर्फे आज हैदराबाद दवाखान्याच्या प्रांगणामध्ये मोफत नेत्र तपासणी आणि मोफत नेत्र तपासणी आणि शिबिर जे आयोजन केलेलं आहे त्यामध्ये तुमचं मोतीबिंदूचं जर ऑपरेशन असेल तर ते देखील मोफत या ठिकाणी करण्याचं आयोजन आज आमचे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब या नांदेड महानगराध्यक्ष आपले अमरनाथ राजूरकर साहेब आणि डीपी सावंत साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठेवण्यात आलेलं आहे। सदरील याचा उद्देश एकच आहे की कोविड-19 महामारीमुळे या वर्षभरात 1.5 वर्षभरामध्ये मोतीबिंदूचे ऑपरेशन कुठेही झालेले नव्हते आणि त्यामुळे गोरगरिबांना याचा फायदा व्हावं आणि जनतेला सुविधा मिळावी या कारणाने आज इथं नेत्र तपासणी आणि मोतीबिंदू ऑपरेशन्स हे दोन्ही कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केले आहे। आज आपण पाहिलं भरभरून या ठिकाणी प्रतिसाद आहे। आतापर्यंत 1,011 कार्ड आमचे जवळपास देण्यात आलेले आहेत लोकांना।
11 लोकांची आज तपासणी या ठिकाणी निश्चित स्वरूपात होणार आहे। तरी या भागातील जनतेला सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा, ज्याचे ज्याचे मोतीबिंदूचे डॉक्टरांनी सांगितले त्यांना उद्या लगेचच या ऑपरेशन मुफ्तमध्ये करण्यात येणार आहे। या नांदेड शहरामध्ये 5 ठिकाणी आम्ही असेच कॅम्प घेणार आहोत। त्या ठिकाणी तरोडा आहे, होळी आहे, तुमचा शिवाजीनगर भाग आहे, सिडको भाग आहे, अशा प्रत्येक हे एरियामध्ये याचा जनतेला, गोरगरीब जनतेला लाभ व्हावा यासाठी हे पूर्ण कॅम्प ठेवण्यात येणार आहे।